हेलो दोस्तों, दिस इज मी अमन शर्मा बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। एंड गाइज, आज की जो वीडियो उसमें अपन बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं, मतलब कि सेकंड हैंड व्हीकल्स में जो है आप अपनी ऑप्शन रख रहे हैं कि मुझे सेकंड हैंड व्हीकल्स लेना है आने वाले टाइम में, एंड उसके लिए अपने जो है सेविंग्स कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ जान लेनी है कि आप सेकंड हैंड व्हीकल अगर परचेस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको जो है देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि आप नई गाड़ी लेने जाते हैं तो वो तो शोरूम से बिल्कुल उठी हुई आती है, बट अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो तो वहाँ पर उसका प्राइस टैग क्या ऑफर हो रहा है, कौन उसका ओनर है, कितने ओनर हुए हैं, सेकंड थर्ड ओनर है या फोर्थ ओनर है, मतलब क्या क्या स्क्रैच डेंटिंग पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मेजर होती हैं। तो आज की वीडियो में अपन इससे हटके भी कुछ चीज़ें बताने वाले हैं एंड इससे कोरिलेटेड में चीज़ें बताने वाले हैं, जिससे आपको अगर आप सेकंड हैंड व्हीकल लेने जा रहे हो ना, तो ये वीडियो 101% आप सभी के लिए होने वाली है कि आपको एक राइट वे मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको ओनर से पूछना है एंड गाड़ी के अंदर जो है चेक करना है। तो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ है गाड़ी का कलर। गाड़ी का कलर किस तरीके का है, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, कैसा कलर है, कितनी साल पुरानी गाड़ी है। जितनी साल पुरानी गाड़ी होगी वैसा ही उसका कलर होगा। वाइट है तो डल तो नहीं पड़ गया है, थोड़ा पीला पीला तो नहीं हो गया, मतलब कि गाड़ी धूप में खड़ी रहती थी, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है, ये बात 101% ध्यान रखना भाइयों। कोई भी ओनर अपनी गाड़ी को फ्री फोकट में नहीं बेचता है, बहुत कम ऐसे ओनर होंगे कि जिन्हें अपनी गाड़ी को चेंज करना है तो वो लोग बेच देते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, गाड़ी में माइनर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि ओनर या फिर जो डीलर होते हैं वो आपको नहीं बताते। सेकंड हैंड जो भी आपके शोरूम में अगर आप जाओगे तो प्रॉब्लम हमें बाद में जाके ही पता चलती है। तो आज की वीडियो में अपन वही चीज़ें क्लियर करूँगा मैं कि भाई आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ऐसी चीज़ें आप जो है गाड़ी के अंदर चेक करो। बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट हमारा होने वाला है गाड़ी के टायर का। आप देख लो कि कितना जो है उसमें व्हील ट्रैवल है, मतलब टायर का ट्रैवल कितना है, अब कितने टाइम तक चलेगी। मिनिमम इतना रखना कि 2 से 3 साल जो है गाड़ी चलनी चाहिए, उसमें उतना जो है आपका व्हील का जो है आपका टायर का ट्रैवल होना चाहिए। मतलब कि आपको उसमें सबसे पहले ये देखना है कि गाड़ी के टायर में व्हील में जो है आपका टीयर एंड वियर अभी जो है कितना बाकी रहा है, गाड़ी चल कितनी सकती है। तो ये जो है आपको सेकेंड चीज़ ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आता है भाइयों बैटरी की तरफ। बैटरी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है, गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, स्पीकर्स वगैरह होते हैं, गाड़ी के अंदर बड़े बड़े एम्पलीफायर वगैरह लगे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको कि भाइयों आप उस चीज़ को जो है देखो बैटरी को। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बैटरी का जो है मीटर भी आता है, तो आप उसको जो है कहीं पर भी गाड़ी को ले जाके मैकेनिक से चेक करवा लो कि गाड़ी के अंदर बैटरी का वोल्टेज जो है कितना जो है गाड़ी की बैटरी जनरेट कर पा रही है स्पेसिफिकली, ठीक है। अब गाड़ी की जो है आप बैटरी के टर्मिनल्स वगैरह पे देखो कहीं कार्बन वगैरह तो नहीं जमा है। अगर कार्बन बहुत टाइम से जमा होगा तो आप अगर गाड़ी को लोगे तो मतलब 101% चांसेस हैं कि डीलरशिप से लोगे या ओनर के यहाँ से लोगे तो वो एक दो बार में जो स्टार्ट हो जाएगी, बट आगे चल के आपको जो प्रॉब्लम करने वाली है। तो बैटरी को देख लेना कि कहीं कार्बन वगैरह तो नहीं जमा है, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे गाड़ी के पॉइंट 4 की तरफ। गाड़ी के अंदर आपको चेक करना है गाड़ी में स्क्रैच नहीं है, गाड़ी में डेंट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो आपको डेंट या स्क्रैच ना मिले। ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट ये देखना कि बहुत कम से कम हो, स्क्रैच हो या डेंट हो, मेजर डेंट ना हो। मेजर डेंट अगर होगा तो वो दिक्कत करेगा आपको आगे चल के। तो ये चीज़ ज़रूर से आप चेक करना कि गाड़ी में आपको ज़्यादा डेंट और ज़्यादा स्क्रैच देखने को ना मिले। कम डेंट कम स्क्रैच होंगे वो चलेंगे, हर गाड़ी में होता है। अगर आप भी नई गाड़ी लोगे तो वो भी जो है चलेगी, तो वो स्क्रैच या डेंट वगैरह आते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, बट ज़्यादा ना हो। पांचवी चीज़ है अब इंटीरियर से रिलेटेड। इंटीरियर में आपको क्या चीज़ देखना है, सीट कवर्स कैसे हैं। सीट कवर्स के अंदर भी सीट होती हैं, उनको भी देख लो कि उनकी जो है लेदर अपोस्ट्री कैसी है, मतलब ख़राब तो नहीं हो गए, घिसा तो नहीं गए। उससे पता चलता है कि गाड़ी की आपको किलोमीटर्स नहीं देखना, पहले सीट कवर्स देखना है, ठीक है ना। अगर आप सीट देखोगे तो उस पर पता चलेगा कि कितने लोग बैठे हैं, सीट अच्छी होंगी तो आपकी गाड़ी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करी है। अब कोई ऐसा तो नहीं गाड़ी घर में खड़ी है तो सब लोग आके गाड़ी के अंदर बैठ गए, भैया कह रहे भैया बढ़िया सोफ़ा मिल रहा है, सोफ़े के अंदर बैठे। जितनी ज़्यादा ड्राइवर की सीट खराब होगी, सीट की क्वालिटी खराब होगी, उतनी ज़्यादा ही जो है कंडीशन गाड़ी की मतलब बेकार है। मतलब कि अगर सीट की जो है अंदर का कवर देखना, सीट का जो आपका गाड़ी के अंदर चढ़ के आता है ना, तो अगर वो जो है ज़्यादा ही खराब होना तो गाड़ी बहुत ज़्यादा चली, क्योंकि मीटर किलोमीटर में क्या टैम्परिंग हो जाती है, टैम्पर करवा देते हैं, आराम से हो जाता है टैम्पर 500 रुपये दे के। अब अगला पॉइंट भी अपना इसी से रिलेटेड है, तो अगले पॉइंट को भी अपन जो है इसी के पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं किलोमीटर में, ठीक है ना। किलोमीटर रीडिंग भी देख लेना कि पता चल जाएगा आपको कि किलोमीटर में आपका कितनी किलोमीटर चली, क्योंकि वो ज़्यादातर अगर गाड़ी चल जाती है तो 25 से 30 हज़ार जो है किलोमीटर कम ही करवा देते हैं।
पैसे देके, है ना, क्योंकि गाड़ी उनको जो है ज़्यादा अमाउंट में सेल करनी होती है। ज़्यादातर डीलरशिप्स पर ऐसा हो जाता है, वो बोलते हैं टेम्परिंग नहीं हुई है, बट हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता उस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ ज़रूर से आप ध्यान रखें। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो इंटीरियर में आपको एक और चीज़ चेक करनी है, सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या इंस्ट्रूमेंट पैनल पर जो भी चीज़ें उन सबको चलाओ, वेदर इट इज़ वाइपर, हेलोजन हेडलैम्प्स, टेल लाइट, ब्रेक मार के देखोगे जल रही है कि नहीं जल रही है, और पूरा का पूरा जो आपका गाड़ी का गियर बॉक्स वगैरह होता है, 5 स्पीड है या 6 स्पीड है, तो सारे के सारे गियर लगा के देखो कहीं अटक तो नहीं रहे हैं। ड्राइव पर भी जाओ तो 6th गियर तक गाड़ी को लेके जाओ, रिवर्स गियर देख लो लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि रिवर्स गियर में आपका पीछे का कैमरा चालू है या नहीं है, पार्किंग सेंसर वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा पीछे लेके जाओ कोई दीवार के पास तो पार्किंग सेंसर अलर्ट आपको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड ये चीज़ आपको जो चेक करना है, एयरबैग्स वगैरह वाले जो आपका सिग्नल है वो बार बार जो है ब्लिंक ब्लिंक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार क्या है सेंसर भी प्रॉब्लम कर देते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो चीज़ ज़रूर से आप चेक कर लेना पूरे इंटीरियर्स के अंदर जब आप पूरा डैशबोर्ड वगैरह देखो। अब ये चीज़ सारी आपने कर ली, तो अब इसके बाद जाना है आपको गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर्स पे, गाड़ी की आरसी लेनी है। इंश्योरेंस में ये चीज़ देखना है आपको कि भाई गाड़ी मतलब कितनी जो है गाड़ी की वैलिडिटी है, कब तक जो इसका इंश्योरेंस है वैलिड, तो अब जो है इंश्योरेंस। दूसरी बात है आरसी वगैरह चेक कर लो, ठीक है ना। अब गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग या गाड़ी में बहुत ज़्यादा मेजर या एक्सीडेंटल गाड़ी देखने के लिए आपको एक चीज़ जो है आरसी के थ्रू आप कर सकते हो, तो आपको क्या करना है आरसी लेना है गाड़ी की, उनसे बोलना है आरसी दो, इसका क्या है कितनी ऑनरशिप है इसकी वो देख लेना। देन आपको जो है गाड़ी का इंजन नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर तीनों का मैच करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर और इंजन नंबर तीनों का मैच करना है। चेसिस नंबर नहीं मिलेगा अगर गाड़ी एक्सीडेंटल होगी, क्यों है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंटल मेजर इशू हो जाता है तो चेसिस नंबर गाड़ी का चेंज हो जाता है। तो आरसी और गाड़ी की बॉडी पे चेसिस नंबर मेन देख लेना, इंजन नंबर ऐसा नहीं होता। अगर इंजन में मेन डैमेज हुआ है तो इंजन नंबर जो है गाड़ी का चेंज होता है, तो वो चीज़ आप जो है देख लेना। एंड सब अगर आपकी लिंक हो रही हो, पेयर हो रही हो एक दूसरे से, तो गाड़ी सही है। और अगर कोई में भी अगर एक मतलब एक उसका ABCD का भी लफड़ा है ना, तो गाड़ी जो है आप छोड़ देना, चाहे कितनी भी सस्ती मिल रही हो गाड़ी। लास्ट पॉइंट अपना ये है कि आप गाड़ी को मिनिमम 4 to 5 किलोमीटर्स की राइड ले लो, ठीक है ना। इतनी जल्दी नहीं है वो 2 किलोमीटर वहाँ से घुमा के आ गए, वो चौराहे से भैया आगे वाले चौराहे पे जाना पेट्रोल कम है और घुमा के लिया है, नहीं भाई पेट्रोल हम डलवाएंगे, हम 4 से 5 किलोमीटर की गाड़ी की राइड लेंगे, ज़्यादा से होगा तो 10 किलोमीटर की राइड लेंगे, बट गाड़ी हम देख के ही लेंगे। पूरे गियर तक चला लो गाड़ी को, 80-90 टच करा दो, टच कराना पड़ेगा आपको हाईवे पे, थोड़ा सा लेके चले जाना, क्योंकि 80-90 टच होगी तभी गाड़ी की जो है वाइब्रेशन पता चलती है कि गाड़ी के अंदर क्या क्या वाइब्रेट कर रहा है एंड किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो इस चीज़ का ज़रूर से आपको ध्यान रखना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। वाइब्रेशन होगा तो गाड़ी हिलने लगेगी, गाड़ी जो है कि रोड पर जो है हिल तो नहीं रही है, वाइब्रेशन तो नहीं कर रही है, व्हील अलाइनमेंट आपको जो है पता चल जाएगा। तो अगर आप गाड़ी सेकंड हैंड परचेज कर रहे हो तो प्लीज़ से इन चीज़ों को जरूर से ध्यान में रख के करना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ से। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल यूजर नेम आपको नजर आ रहा होगा एंड लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।